सिंचाई विभाग की लापरवाही से नहीं हो पा रही है धान की रोपाई, आदेश शंखधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएन न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। मिलक रामपुर, भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधर अपनी टीम के साथ ग्राम पंजाबवा पहुंचे और वहां पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना तो किसानों ने बताया कि इस समय धान की रोपाई प्रारंभ हो चुकी है लेकिन नहरें सूखी पड़ी हुई है, हम लोग कैसे धान की रोपाई करें। किसान अत्यधिक परेशान है क्योंकि डीजल इतना महंगा हो गया है कि उससे किसान की कमर पहले से ही टूट चुकी है। ग्राम पंजाबवा में होकर जो नहर निकलती है उसकी न तो कोई सफाई हुई है और ना ही उसमें पानी छोड़ा गया है जिससे कि किसान अपने धान की फसल की रोपाई कर सके। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधर ने कहा कि सरकारें किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित है लेकिन अधिकारियों किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष नहरों की सफाई के लिए सरकार से भरपूर पैसे आते हैं लेकिन विभागीय अधिकारी केवल अपने कार्यालयों में बैठकर ही सिर्फ कागजों में ही काम करा रहे हैं और धरातल पर किसान परेशान हैं। इसलिए सिंचाई विभाग रामपुर अपना रवैया सुधार ले वरना भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होगा जिसका जिम्मेवार सिर्फ सिंचाई विभाग ही होगा। जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव गंगवार के ने संगठन का विस्तार करते हुए ग्राम पंजाबवा निवासी इंद्रजीत यदुवंशी को मिलक ब्लॉक का सहमंत्री बनाया है जिसे संगठन के संस्थापक पुस्तिका देकर संगठन में शामिल किया गया तथा मौजूद सभी किसानों से कोरोना से बचाव हेतु वैक्सीन लगाने की अपील की। इस अवसर पर जिला सहमंत्री वीरेश शर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गंगवार, छत्रपाल यादव, नरेंद्र गंगवार, ववैस खान, विधाराम राजेश, व्रजनंदन लाल, रतन लाल, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, देवकी नंदन, महेंद्र सिंह, हरिशंकर आदि किसान मौजूद रहे। रामपुर से रामनाथ गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। मैं आदेश शंखधर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। आज हम लोग अपना एक तहसील मिलक का गांव पड़ता है पंजाबा, वहाँ पर पहुँचे और किसानों की समस्याओं को लेकर के उनसे चर्चा की तो किसानों के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एक नहर निकलती है जो कि केमरी से आती है। उस नहर की ना तो साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहर विभाग के द्वारा की गई, ना उस नहर में इस समय पानी है और क्षेत्र के किसानों को इस समय धान की रोपाई के लिए अत्यंत आवश्यक है कि पानी मिले जिससे कि उनकी फसल की रोपाई ठीक से हो पाए। लेकिन सिंचाई विभाग बिल्कुल भी किसानों की समस्याओं के प्रति अपनी गंभीरता नहीं दिखा रहा, वो कहीं ना कहीं अपने एसी वाले ऑफिस में बैठ करके आनंद ले रहे हैं जबकि सरकार नहरों की साफ सफाई के लिए पूरा खर्चा इनको देती है। किसानों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए पूरी सरकारें हमारी जो हैं प्रयासरत हैं लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। पूरी तरह जहां उनको मौका मिल रहा है वो सरकार की किरकिरी कराने में खूब अपना योगदान निभा रहे हैं। आज हमने उनकी समस्याओं को सुना है और मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि सिंचाई विभाग अपना एक जो रवैया है उसको सुधार ले, नहरों की साफ सफाई की व्यवस्था तत्काल कराई जाए और जितनी भी नहरें हैं उनमें जल की व्यवस्था हो जाए जिससे कि किसान अपनी फसल की रोपाई ठीक प्रकार से कर सके, किसी भी किसान को परेशानी ना हो। ये काम सिंचाई विभाग अपना जल्द से जल्द पूर्ण करे वरना भारतीय किसान संघ बहुत जल्द सिंचाई विभाग के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा जनपद रामपुर में खोलेगा और जिसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। आज इसी संगठन विस्तार के बारे में भी हमारे जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव गंगवार जी के द्वारा ग्राम पंजाबवा के निवासी श्रीमान इंद्रजीत यदुवंशी जी को अपने ब्लॉक मिलक का सहमंत्री बनाया गया है और जितने भी किसान साथी वहां पर उपस्थित थे जिला उपाध्यक्ष जी के द्वारा एक निवेदन सबसे किया गया कि कोरोना के बचाव के लिए सभी किसान साथी अपना वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।